बिहार में युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से गठित संस्था बिहार चेतना मंच द्वारा स्वाभिमानी बिहार स्वावलंबी बिहार कार्यक्रम की शुरुआत आज पटना में हुई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष आदित्य शंकर ने बताया कि इस कार्यक्रम से अधिक युवाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा और साथ ही उनके अंदर चेतना को जगाना भी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। मल्टीफेरियस प्रोफेशन जो आजकल इमर्ज कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई स्किलिंग का आइडिया नहीं होता है कि काम करें तो कैसे करें, हाउ डू वी गो अहेड, तो सारे देश और दुनिया में एक से एक एक्सीलेंट प्रोफेशनल है। और मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे नव चेतना बिहार के माध्यम से, नव बिहार चेतना के माध्यम से आप जो है बिहार के गांव देहात में अपने टैलेंट और अपने एक्सपीरियंस को जनता की भलाई के लिए यूज़ करें, हमारे सामान्य घर के बच्चों को स्किलिंग का काम करें, एंटरप्रेन्योरशिप का काम करें, स्पोर्ट्स बेस्ड कल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज़ का प्रमोशन करें, ताकि वो लोग अपने पोटेंशियल को पहचान सकें, वो जाने कि वो किस लायक है, क्या काम वो कर सकते हैं, क्या उनकी सोच है। और इसके साथ ही द एंटायर आइडिया टू ब्रिंग माई होम स्टेट एट पार विद द बेस्ट साउथ ईस्टर्न ईस्ट एशियन स्टेट्स, जो अदर साइड है, उसके साथ लाके खड़ा करना इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइफ अपग्रेडेशन स्किल्स, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लाइफ स्टाइल, कपल्ड विद इंडियन रूट्स एंड मॉडर्न बिहारी लाइफ स्टाइल, ये मुझे इस जीवन काल में अचीव करना है। मैं ज़्यादा तो नहीं सोचता, लेकिन इतना सोचता हूँ कि अगर मैं इस जीवन काल में 10,000 लोग के जीवन में भी बदलाव लाने का मैंने अगर काम कर दिया, अगर उनको स्वाभिमानी और स्वावलंबी बना दिया, सो आई थिंक आई हैव अचीव्ड माय मिशन एज अ पर्सन, एज अ सोशल चेंज मेकर एंड एज अ थिंकर इन माय ओन राइट, व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द वेलफेयर ऑफ माई स्टेट एंड फॉर इट्स पीपल। और अभी हम लोगों ने ये काफ़ी काम शुरू कर दिया है, अभी काफ़ी जिलों में हमारा संगठन का बेसिक ढांचा तैयार हो गया है। कोरोना काल में थोड़ी सी परेशानी थी, इसका लॉन्च तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग कोरोना काल के कारण इसको नहीं कर पाए। कुछ मेरे पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी थी, तो मैं उसके कारण भी और डिले हो गया, वो सब नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें। बेसिकली एक जो आधुनिक बिहार की जो कल्पना है, उसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन कितने डिग्री तक जाता है, उसको हम लोग और डीपली जा कर के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है कि देखिए, कभी भी जो भी सरकारी स्कीम्स जो आती हैं, उस पर जो ग्राउंड लेवल का काम होता है, ग्राउंड लेवल का काम जो है वो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। हमारा ये उद्देश्य है नव बिहार चेतना के माध्यम से कि हमारी टीम जो है, जो गैपिंग आती है ना, उसमें जो लूप होल होता है, उस लूप होल को प्लग करने के लिए हम लोग काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेटिव विजन एंड एन एजेंडा टू ट्रांसफॉर्म द आइडिया एंड आइडियोलॉजी ऑफ बिहार एज अ 21st सेंचुरी मॉडर्न इंडियन स्टेट, वी विल ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स ensuring that the government schemes that have been executed till date reach the lowest common denominator. And एक आखिरी बात मैं आपसे कह, हो या नहीं हो वो जरूरी नहीं है, सोच खास होनी चाहिए। हमारी सोच है नए बिहार की चेतना, बाकी जिसको हमारे साथ जुड़ना है वो हमारे काम के आधार पर जुड़ सकता है। जो काम है, आप जैसे मैंने बताया अभी, entrepreneurship को develop करना, स्किल्स बेस पे काम करना, स्किलिंग पे काम करना, करियर काउंसलिंग पे काम करना, शिक्षा पे काम करना, हेल्थ केयर पे काम करना, स्पोर्ट्स पे काम करना, बहुत सारे आयाम पे काम करना। देखिए, बहुत अच्छा है, उसका मार्गदर्शन ये होगा कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनको एक्सेप्शनली स्किल्ड बनाए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, हम उसके लिए काम करेंगे।
संगठन की शुरुआत है और इसको आप किसी विचारधारा से मत जोड़िए। मैं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, इसको किसी विचारधारा से मत जोड़िए, विचारधारा से जोड़ना उचित नहीं होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पैशन होता है कुछ लाइफ में अचीव करने का, वो सेटिस्फैक्शन और इमोशनल सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब आप दूसरों के लिए जियो और उनके लिए सर्वस के काम करो। किसी काम का कोई आयाम नहीं होता, हमारा आयाम है कि वी हैव टू एक्सप्लोर व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर अदर्स, इंक्लूडिंग यूजिंग द टैलेंट ऑफ पीपल हु आर वेल प्लेस्ड इन लाइफ एंड हाउ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ अदर्स इन द सोसाइटी।